ऑनलाइन डेमो है वो, पता नहीं आग लगाने का है। सर ये सेटअप ठीक है जो वीडियो का? हाँ अभी आप रोटेट करेंगे ना तो वो ओके। So we can start, like, or we have to wait? Start कर दीजिए। Okay. Hello everyone. Welcome to our today's demo. आज का डेमो जो है वो हमारा कल्याण सर के साथ है, एंड कल्याण सर जो है उन्होंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स शांति निकेतन कॉलेज से, वेस्ट बंगाल से कंप्लीट की है, एंड प्रोफेशनली ही इज वाटर कलर आर्टिस्ट, एंड सो टुडे ही इज गोइंग टू गिव अस वाटर कलर का डेमो, एंड आई वेलकम यू सर, कल्याण सर, एंड ही इज बेस्ड इन गुड़गांव, एंड अचिंत्य सर एंड निशिकांत सर का भी मैं वेलकम करना चाहूंगी जो हमारे फाउंडर हैं कलारम के, जिनके थ्रू हम ये डेमोज रख पाते हैं अपने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ और लर्न कर पाते हैं एवरी वीक। वेलकम सर अचिंत्य सर निशिकांत सर एंड थैंक यू सो मच, एंड आपको अगर और भी हमारे पुराने ऐसे डेमोज देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, कलारम के यूट्यूब चैनल पे जाके उन डेमोज को देख सकते हैं, एंड ओवर टू यू कल्याण सर इफ यू वॉन्ट टू एड एनीथिंग। Thank you, Kalaram, Achintya sir, Nishikant sir, for giving me this platform. ये मेरा पहला ऑनलाइन डेमो है, and I hope मैं इस पे खरा उतरूं। जरूर 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 जरूर। अच्छा कल्याण जी, आपके जो मोबाइल है थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में करके कर दूं? हाँ, लैंडस्केप मोड में करके खड़ा करके फिर उस पेपर को लेके जाइए तो वो उसमें लैंडस्केप में आ जाएगा। अभी पोर्ट्रेट मोड में दिख रहा है हमको। ओके सर, सर इसको घुमाना है? हाँ यस यस। ओके सर, हाँ घूमना चाहिए। अगर ऑटो रोटेट बंद है, हाँ घूम गया, राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट, अब ठीक है। अभी आप पेपर के ऊपर कर लीजिए। परफेक्ट ठीक है सर? हाँ एकदम ठीक है। या इसको और थोड़ा सा टिल्ट करूं, ये पर्सपेक्टिव में है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है, हालांकि सारी चीज दिख रहा है, पैलेट नीचे। सर क्या बोलते हैं, वो आप हाईलाइट करेंगे तो दिखेगा? हाँ कर दिया थोड़ा। स्पॉटलाइट कर दी? यस, आप देखिए जरा। हाँ परफेक्ट है। सर मेरी आवाज आ रही है? यस क्लियर सर। मैं ये वाला वीडियो बंद कर दूं? हाँ चलेगा। यस यस चलेगा, फिर जब आप ये हो जाएगा फिर आपसे जब बातचीत करेंगे तो ऑन कर लेंगे या जो भी। तो बातचीत जारी रखिए, जो भी कनिष्ठा जो भी करना चाहते हैं, और बाकी भी जो हमारे साथ जुड़े हैं सबको वेलकम। और कल्याण भाई से जो भी सवाल पूछेंगे, काफी अच्छा कलाकार है और इन दिनों में बूंदी में एकदम बहुत सारे इन्होंने अच्छा काम हमें देखने को मिला है। तो उन्हीं का एक सब्जेक्ट है शायद बूंदी का ही, राइट? ये निकांत सर का स्पॉट है, ये है वो जगह। हाँ तो नीति सर का स्पॉट है, क्या बात है, कितना प्रिंट आउट है? दो प्रिंट आउट है ताकि डिटेल्स जो है बराबर दिखते रहे। मतलब कुछ छोड़ोगे नहीं लग रहा है? नहीं सर टाइम लगेगा पर आई थिंक मैं पूरी रात है। हम कल्याण जी हम पूरी रात है, आप आराम से कीजिए। ठीक है सर। निशी जी म्यूट है, आप निशी जी म्यूट है सर। ओके लाइव कर रहे हैं। ओके ओके लाइव दे रहे हैं, परफेक्ट।
तो यूट्यूब में भी जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी वेलकम, जो भी सवाल है वो आप वहां भी कर सकते हैं। तो शुरू करूं? हाँ हाँ प्लीज। yes, इसमें जो मैं कलर यूज करने वाला हूँ मोस्टली अल्ट्रामरीन, कोबाल्ट, आइसोरिन येलो, बर्न्ट अंबर और थोड़ा सा टर्कवाइश, कोबाल्ट टर्कवाइश और फोकस ग्रीन होगा। पहले वॉश के लिए मैं थोड़ा सा पानी लगा रहा हूँ। मैं कोबाल्ट ब्लू यूज कर रहा हूँ पहला। जो कलर आप यूज कर रहे हैं कौन सा ब्रांड का कल्याण जी? ये मिशन गोल्ड का है। ओके, मिशन गोल्ड का कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ मैं अल्ट्रामरीन ब्लू यूज करूंगा, कलर को थोड़ा सा हैवी लाने बनाने के लिए और डार्क बनाने के लिए। Participants, please mute yourself. I request everyone. आगे रखना है। हाँ जी। अब मैं आइसो इंडेलिन येलो यूज कर रहा हूँ, ये डैनियल स्मिथ का होता है। थोड़ा सा टेक्सचर तैयार कर रहा हूँ पुराने बिल्डिंग का। अब कॉम्पोजिशन के राइट साइड में जो बिल्डिंग्स हैं उनको मैं काम करूंगा, उनमें मैं अल्ट्रामरीन के साथ कोबाल्ट टर्कवाइश थोड़ा सा ग्रीनिश बनाने के लिए।
उसके उसको थोड़ा न्यूट्रल बनाने के लिए बर्नट अंबर। जैसे जैसे मैं फोरग्राउंड की तरफ आ रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा सा पर्पल स्टोन लाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें एलिजन क्रिम्सन यूज कर रहा हूँ। ये लाइट साइड में है तो भी वेट एंड वेट में मैं इसमें आइसो एंजेलिन जेलो फिर से यूज कर रहा हूँ। अब बिल्कुल बेस पे फोरग्राउंड पे एक न्यूट्रल सा कलर, वो भी ब्लू शेड का ही है। अब ये मेरा फर्स्ट वॉश है, थोड़ा सा मैं अभी ये नीचे का कलर सूख जाए तो मैं अभी इस खाई पे काम करूंगा उसको उल्टा करके। इसके बीच अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपने ये पेपर कौन सा यूज किया है? ये मैंने बॉकिंग फोर्ट पेपर यूज किया है। अच्छा, बोंग का है? ओके, नहीं बोंग नहीं, बॉकिंग फोर्ट। बॉकिंग फोर्ट, ओके। ये मोस्टली ये एक स्टूडेंट क्वालिटी पेपर है। अच्छा, इसका अब्सॉर्बिंग वो कैपेसिटी अच्छा है पर इस पे हाँ ज्यादा काम करने से, ज्यादा ब्रशिंग करने से उसका वो थोड़ा सा पेपर का जो सॉफ्ट की वजह से पेपर का टेक्सचर थोड़ा सा खराब हो जाता है। अच्छा, ऐसे लाइट वॉश के लिए काफी अच्छा है। मैं इसको ड्रायर से सुखा लेता हूँ। अब स्काई पे
थोड़ा सा ऑड कलर यूज करूंगा क्योंकि मेरा फोकस मेनली इस जगह पे है, तो मैं आई के लिए फिर से वही आइसो इंटेलिजेंट येलो यूज करूंगा। थोड़ा सा व्हाइट गैप छोड़ते हुए बिल्डिंग का। अब इसके साथ मैं अल्ट्रामरीन ब्लू, डी अल्ट्रामरीन डीप ब्लू जो कि मिशन गोल्ड का है वो यूज करूंगा। काफी बहुत सुंदर सा एक न्यूट्रल शेड तैयार करता है। मोस्टली मेरा अब जो है पेपर ऑलमोस्ट कलर से फिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस है उस जगह पे मैं काम करूंगा, थोड़ा सा ये कलर सेटल हो जाए। हेलो सर, आई वाज हैविंग वन क्वेश्चन। यस प्लीज सर, जैसे सबकी अलग अलग स्टाइल होती है, जैसे जोसेफ जुबोविक सर की अलग स्टाइल है, चेन चुंग वे की अलग स्टाइल है, आपकी अलग है, किसी की लूज में काम करते हैं कोई लोग, कोई थोड़ा सा टाइट में या फिर क्लियरली थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एज ए बिगनर व्हाट शुड वी डू, लाइक हमें लूज में भी काम करना चाहिए थोड़ा सा एंड थोड़ा सा क्लियर दिखाने की तरफ भी जाना चाहिए, तो मतलब उसमें कंफ्यूजन था कि किस तरीके से मैं करूं मतलब वर्क को। एज ए बिगिनर मैं तो कहूंगा कि आपको अगर जिसके भी काम आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको पहले जानना चाहिए कि क्यों अच्छा लग रहा है। अगर आप ये जान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे आप अपने बोला जैसे जो एक तो उनका उनका आप काम देखेंगे तो मोस्टली न्यूट्रल शेड्स पे काम करते हैं। वहीं पर अगर हम पहले अगर अलवारो का काम देखें तो वो बहुत ज्यादा, हाँ अलवारो का तो वो पहले बहुत ज्यादा वाइब्रेंट यूज करते थे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किनका काम या क्या चीज आपको पसंद है। एंड नेक्स्ट पार्ट है कि उतना सोचना नहीं है, काम करना है, काम करते करते जो है आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। ओके सर, सो लाइक थोड़ा सा क्लियर एज ए बिगिनर थोड़ा सा मतलब क्लियर दिखाने का ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा सा बोलूंगा तो पहले तो आप जो है ना लाइट एंड शैडो वैल्यूज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप क्लैरिटी में जाएंगे, जितना आप जो डिटेल्स में जाएंगे ना, उतना आपका जो पेंटिंग है वो हार्ड होता रहेगा। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी में आप जो है बड़े बड़े फॉर्म्स को पकड़ सकते हैं उतना बेटर है। ओके सर,
सेम कलर स्कीम, वही आइसोलेशन येलो, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए। मैंने जो है शैडो शुरू कर दिया है। मैं जब शैडो यूज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रेश कलर्स ही हो। अभी वेट एंड वेट में ही मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल करने का कोशिश करूंगा। लॉस्ट शैडो में जो है सॉफ्ट डिटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने बर्न्ट अम्बर और अल्ट्रामरीन ब्लू को मिक्स किया है, थोड़ा सा थिक है। वहां पे जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बिल्डिंग्स जो है ये पुराने होते हैं, तो थोड़ा सा जो है उसे मैं कलर वेरिएशन, तो ऐसा वो पुराना जो पानी के वजह से जो होता है टेक्सचर्स होते हैं। पानी ब्रश में मेरा बहुत कम है कलर। फिर से मैं अल्ट्रा मरीन ले रहा हूँ एंड इसके नेक्स्ट लेवल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट इस जगह पे काम करूंगा। मुझे यहाँ पे विक्रांत सर, जब मैं यहाँ पे ये आउटडोर पे कर रहा था, प्लेन एयर पे काम कर रहा था, अब विक्रांत सर ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया ओपिनियन दिया था कि ये जो शैडो है यहाँ पे तो बहुत कम दिख रहा है, शैडो को थोड़ा सा ब्रॉड करके वेट लाने के लिए, डेप्थ लाने के। मैं वही फिर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस पे। इंटरेस्टिंग यही है कि जो आपके गुरु हैं, जो आपके जो टीचर हैं, वो आपको जो आइडियाज देते हैं, अगर आप उनको अगर अपने दिमाग में
जहन में रख के आप अगर आगे बढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके डेवलपमेंट जो है जरूर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का मैं रखूंगा। मुझे ये छोटे छोटे डिटेल्स करना काफी अच्छा लगता है। ये मैंने ये जो कलर बनाया है, ये कलर कोबाल्ट टर्कोइस, ये एक मिशन गोल्ड का कलर है कोबाल्ट टर्कोइस। इसके साथ मैंने थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन मिला के अप्लाई किया। अब इस एरिया पे जो शेडोज है, ये वाला पार्ट, इस पे काम करूंगा। सेम कॉम्पोजिशन है, वही आइसोलेन येलो और अल्ट्रामरीन ब्लू, पूरा न्यूट्रल बन गया थे। आप देख सकते हैं ये कलर। अब मैं सर ये नीचे, पेपर कौन सा हाँ, है? पेपर वॉकिंग फोर्ट का है। थोड़ा सा और पिकनिक चाहिए। अब ऊपर से फिर प्योर अल्ट्रामरीन ब्लू, जहां पे ये मिक्स होगा उस जगह पे मैं थोड़ा सा इसको वॉयलेट लगाना चाहता हूँ। ये वो ब्रैकेट्स हैं, जैसे क्या कह रहा था कि सिंपलीफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे काफी एक बड़ा सा शैडो एरिया है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आएगा। आप देख सकते हैं अगर इसमें लाइट, इसीलिए हम कहते हैं कि आउटडोर जो है पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जो है लाइट एंड शैडो का बहुत अच्छा
एक फील होता है जो आप फोटोग्राफ्स कैमरा कैप्चर नहीं कर पाती है वो। मैं फिर से एक ग्रे टोन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा सा वॉश है बेटर है कि थोड़ा सा पानी अप्लाई किया जाए। पिगमेंट और मरा रहा हूँ। कलर्स जो है वही सेम है, आइसोन्ड्रिलिन येलो है, अल्ट्रामरीन ब्लू है और बर्न्ड अम्बर है। ब्रशेस का भी यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कौन सा ब्रश कहाँ पे कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे एजेस होते हैं या शेप्स होते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इनको पकड़ा जाए अच्छे से तो फिर मजा आ जाता है। अब मैं इसको लूज ही रखूंगा यहाँ पे क्योंकि तो नीचे और काम है, और बाद में इसको फिर अभी वेट एंड वेट में जो है थोड़ा सा शैडो एरियाज पे कहीं कहीं पर फ्लैट सा टोन जो है कभी कभी बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। ये पार्ट होने के बाद अब मैं इस एरिया पे काम करूंगा। ये बड़े बड़े शेप्स अभी मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं सीएम कलर लाना था, मैं भूल गया उस टाइम पे, मुझे ये भी जो है ऑफ ही रखना है, ये ज्यादा फोकस नहीं करना है इसमें, तो इस पे भी अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड आइसोलेटेड येलो का जो है एक ग्रे एक न्यूट्रल शश टोन जो है अप्लाई करूंगा। अभी ये डार्क लग सकता है पर सूखने के बाद जो है
लाइट हो जाएगा। ऑटो करते वक्त ये बड़ा एक चैलेंज था जानना कि कलर ने इंटेंसिटी में, मतलब कलर कितना पेपर पे रहेगा। ये अभी हम काम नहीं कर सकते यहाँ पे शैडो का, क्योंकि अब टोटल गीला है तो वो दूसरे एंगल पे काम कर लेते हैं। एरियाज है जहाँ पे मुझे लिफ्ट करना था, यहाँ पे पेपर वाइट छोड़ना था, मतलब पेपर जो लास्ट वाला टोन था मैं लिफ्ट करके तो ये याद आया इससे मुझे, ये जब मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ तो अजिंत्य सर ने कहा कि थोड़ा प्यार से स्प्रिंकल करो पानी को। अब इस जगह पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा, जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो इस जगह को जो है पहले थोड़ा सा और डेप्थ, या तो हाँ यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे शैडोज हैं अभी भी तो उनको काम कर लेते हैं। फिर वो कनेक्ट भी रह जाएगा इसके साथ। कल्याण जी एक बार रेफरेंस दिखा दीजिए कुछ सेकंड के लिए। ये रेफरेंस पिक्चर है, आप अगर देखें शैडोज यहाँ पे, ये शैडो एरिया जो है इसको कैप्चर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शैडो है बहुत ही हल्का, बिल्कुल सुबह का टाइम था तो इतना अच्छा शैडो नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे दोपहर हो मतलब टाइम हो रहा था तो शैडो जो है बहुत शार्प होने लगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर सा शैडो बन रहा है। तो यही है कि ये एक डिजाइन भी है जो कि कॉम्पोजिशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो है अपने कॉम्पोजिशन को कैसे करके डिजाइन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रख दीजिए साइड में। बहुत अच्छा हो रहा है कल्याण भाई। थैंक यू सर।
जैसे जैसे ये सूख रहा है यहाँ पे ये लाइट जो है ब्राइट होते जाएगा। अब इसी या फिर और एक बात है, आज जो है कल्लन जी ने हर एक चीज को अच्छी तरह समझा भी रहा है कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल सुन हो गया सब कुछ। हाँ नहीं, आप सब सब कुछ बता रहे हो तो वो जरूरत नहीं पड़ रहा है। सर आप एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो कलर्स एंड ऑल कि कलर कौन सा पिक करा है। अभी जबरदस्ती सवाल करेंगे तो और ही कुछ सवाल करेंगे, फील्ड आउट ऑफ द टॉपिक। नहीं, ये हमारे कूल्स गायब है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ कुछ तो अभी वहां पे है ना, वो कानपुर या पुष्कर। शादी में है, नहीं, पुष्कर गए हो ना सर। अभी अच्छा काम कर रहे हैं। वहां से मैसेज ही डाल सकते हैं बस बंदा। अच्छा अच्छा काम किया उनके, जाके यूट्यूब जाके देख सकते हैं कुल्स का, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और आज ब्लॉग डाला है उन्होंने, शायद इंस्टा पे आया आ था। गए कुल सर, सर मैसेज कर रहे हैं। हाँ तो आवाज भी आना चाहिए ना। मैसेज से आवाज आ रही है, पढ़ के अच्छा लिखा। काम इतना सुंदर हो रहा है कि कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या बात, बहुत सुंदर है। कुल सर ट्रेन में है इसलिए वो मैसेज मतलब मैसेज कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। कूल को बोला थोड़ा झूठ बोलना है, फ्लाइट में ऐसा बता। सही है। सही कहा, फ्लाइट में थोड़ी नेट होता है। यहाँ पे दो फिगर्स हैं, इनको थोड़ा सा वो, और एक बाइक है। जब तक ये सूखता नहीं है तब तक यहाँ नीचे जरा जूम कर सकते हैं क्या निशिकांत? जूम जूम करना अवगढ़ है सर, वो करा, सेटअप करके रखा है ना, तो अच्छा जूम और जूम जरा जूम आउट। नहीं हो सकता? नहीं वापस की डिटेलिंग, ठीक है ओके, शेयर किया तो ठीक है रहा। इस जगह पे थोड़ा सा मैं इसको अलग करने के लिए इसको डार्क करूंगा, तो एक हल्का सा कोबाल्ट का फिर से वॉश इसमें अप्लाई करूंगा। बूंदी में जाके आर्किटेक्चर का ड्राइंग कर लिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी काम है। ये लोडिंग एंड अनलोडिंग ब्रश का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं लैंडस्केप के साथ साथ जब मैं कभी कभी वो फ्लावर्स नीचे स्टडी भी करता हूँ, फ्लावर स्टडीज एंड ऑल दैट, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अनलोडिंग अनलोडिंग ब्रश का। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स जो है करता रहूंगा तब तक ये जब तक सूख जाएगा। कलर्स का सिलेक्शन बिल्कुल मिनिमम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक क्या कहते हैं जाफरी या
जाली जो भी है, तो ये डिटेल तो इतना डिटेल तो नहीं कर सकते हैं, जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फील ला सकते हैं जाली का। ये मेरा पहला ऑनलाइन डेमो है एंड इसके लिए मैं जो है कलाराम को बहुत बहुत धन्यवाद देना बताता हूँ, क्योंकि मुझे जो है कभी ये क्या कहते हैं पहला सी स्टेप लेने का ना ये बस वो नहीं था। कलाराम आपको धन्यवाद देता है कि आपने आपका जो मार्गदर्शन है वो कर रहे हैं सब स्टूडेंट को। ये जो काम है काफी लिमिटेड कलर पैलेट का है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है कलर में। अगर यहाँ पे देखें तो शैडो जो है इस तरफ आ रहा है और इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे लाइट है, ये छोटे छोटे डिटेल्स हैं, ये बैलेंस है कि आप बड़े शेप और छोटे शेप कैसे रखते हैं अपनी पेंटिंग में। दोनों का बैलेंस अगर हो जाए तो फिर मसाज है। सर, देखिए डिटेलिंग में कलर कितना थिक लेना चाहिए? एक्चुअली डिटेलिंग में अगर थोड़ा भी वाटर कंसिस्टेंसी होती तो वो फेल सा जाता है।
वो भी कभी कभी अच्छा लगता है, फिर डिटेलिंग डिटेलिंग नहीं वो हो पाती है। ठीक नहीं, आपके ब्रश में कितना पानी है उसके ऊपर जो है कलर फैलता है। आप अगर जो मैंने कहा ना कि लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग जो है ये ब्रश में कितना पानी रखना है और कितना नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो थोड़े से कलर से भी आप डिटेलिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पर जो है बहुत लाइट टोन में डिटेल है, तो आप डार्क टोन में अगर डिटेल करने जाएंगे तो फिर वो तो काम नहीं करेगा हाँ, अगर बहुत ज्यादा थिक कर लेते तो वो बहुत हार्ड सा लगने लग जाता है। ना। तो वही बात है कि जो पानी का वो जो कंसिस्टेंसी है ब्रश में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप एक बार जान ले कि कितना पानी रखना है ब्रश में, जी और अगर एक मान लीजिए एक स्पंज यूज करें टैप करने के लिए, कलर लेने के बाद भी जो है आप ब्रश को डार्क कर सकते हैं। ओके थैंक यू। कोबाल्ट ब्लू है वहाँ पे, और थोड़ा सा इसको डिटेल ऐड कर सकते हैं। ये अभी मैंने फिर से अनलोड किया ब्रश को, तो आप देख सकते हैं जो कलर का जो इंटेंसिटी है या जितना पिगमेंट है वो कम है। जब डिटेल्स भी हम करते हैं तो हमें देखना है कि इसका शैडो कैसा बन रहा है, शैडो का जो पैटर्न है वो कैसा बन रहा है, ना कि उसका शेप वहाँ पे एक्चुअली कैसा है। पे थोड़ा सा मुझे डिफ्यूज करना था शैडो को, तो अभी जो है इस कलर को मैं थोड़ा सा मैं सिलेक्ट कर लूंगा ताकि एक शार्प सा एज ना तैयार हो। अब ये पार्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा भी है गीला है, तो वो भी यहाँ पे काम कर लेते हैं। अगर देखें यहाँ पे जो है शैडोज पे ये छोटे 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 पैटर्न्स हैं, इन्हीं को थोड़ा सा डिजाइन के पर्पज से उसको और भी बोल्ड करके इंटरेस्ट करवा सकते हैं। हर चीज जो है जैसा है वैसे नहीं बना के थोड़ा सा चेंज हम ला सकते हैं कॉम्पोजिशन में।
ये एरिया काफी जम चुका है, अब थोड़ा सा नीचे यहाँ पे काम करते हैं, तब तक ही फिर से वेट करते हैं इस जगह को सुनने के लिए, तब हम यहाँ पे डिटेल्स कर लेते हैं। सर आई होप हमारे पास टाइम होगा ये कंप्लीट करने के लिए। ओके बहुत टाइम है हमारे पास, रात भर का एक। सर, अब मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक यूज कर रहा हूँ, ब्लैक तो नहीं है, ये न्यूट्रल कलर है। इसके साथ थोड़ा सा ये कूल हो गया है दादा, तो इसको वार्म करने के लिए इसमें लाइट बर्न से ना यूज करो। अंदर वाले पार्ट पे थोड़ा सा डिटेल्स कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम जो है कलर्स को उठा लेंगे। क्योंकि ये शैडो के अंदर है, तो हम इस पे इतना ज्यादा कंट्रास्ट नहीं क्रिएट करेंगे। आई होप ये दिख रहा है, या मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं। जूम हो सकता है तो आप थोड़ा कर लीजिए। ओके, शायद ये नहीं, उसके अंदर नहीं होगा, डिवाइस के अंदर नहीं नहीं। होगा, डिवाइस नीचे आ सकता है तो हो सकता फिर वो मुश्किल हो जाएगा। है, रहने दीजिए कुछ। फिर रहने दीजिए। चाहे तो पेपर उठा के थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिटेल। मजेदार सा यहाँ पे एक ग्रीन डोर है, सेम टर्कोइश, कोबाल्ट टर्कोइश एंड ऑलिव, तीन को मिला के यहाँ पे हम टोट को बनाएंगे। ये थोड़ा सा थिक कलर है, सेमी ओपेक। यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे जो है
जब मैं ये डोर बना रहा था वहां पे, तब निशिकांत सर ने कहा था कि जो डोर है इसको आधा खुला छोड़ दो, मजा आएगा। बकरी घुस जाएगा। वो अंदर ही खा लेंगे फिर। जाल है वो, जाल। ये लाइट बर्न्स है ना, इसका है डैनियल स्मिथ का है। थोड़ा सा कलर लिफ्ट कर दिया था क्या, फ्लेम से बाहर निकल रहा है। तो ये बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पे हम ये जो शैडो है इसको कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे।
ये जो शैडो है ये इस जगह पे, इसको बाद में थोड़ा डिफ्यूज कर दूंगा, इतना शार्प मुझे नहीं चाहिए। ये एक पाइप होता है बिल्डिंग्स में, काफी इंटरेस्टिंग होता है। हम तो इग्नोर कर लेते हैं इनको, पर यही डिटेल्स में मजा आता है। पेंटिंग में जो है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स काफी इंटरेस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे एक और पाइप है, हाँ
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं काम पे तो। सर एक क्वेश्चन है, व्हाट कलर्स टू मिक्स व्हेन पेंटिंग अ शैडो ऑन अ ब्लू कलर्ड वॉल, एंड दे आर सेइंग जैसे आपने ब्लू वॉल बताई है, इफ पॉसिबल रेड एंड येलो वॉल्स के शैडोज कैसे बनेंगे, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट. ये जो शैडोज है वो मोस्टली वैल्यूज का एक खेल है, उसके साथ साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट क्रिएट तैयार करना भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लू आप देख रहे हैं, जैसे कि ये ब्लू वॉल ही है, उस पे मैंने कहीं कहीं पर ब्लू को ही इंटेंसिफाई किया है, ताकि शैडो मतलब होता है जहाँ पे कि आपको उसका रियल जो है कलर आपको दिखेगा, लाइट जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका जो है कलर जो है वो फेड हो जाता है। आप अगर अभी फोटोग्राफ भी लेंगे तो आप देखेंगे कि शैडो एरिया पे जो है किसी चीज का जो है कलर प्रॉपरली दिखता है। तो आप कहीं कहीं पर उस कलर को इंटेंसिफाई कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आप उसको बिल्कुल अगेंस्ट, मान लीजिए कि एक सनी डे है और आपको जो है उसको उसके वहां पर शेडो दिखाना है, येलो कुछ है, सनी कुछ है, एंड आपने जो है कलर चूज किया कुछ पर्पल सा। मोस्टली बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे चूज करते हैं पर्पल सा शेडो, जिससे कि पर्पल जो है कंट्रास्ट तैयार करता है और इंटरेस्ट भी होता है। जहाँ पे कंट्रास्ट होता है वहाँ पे इंटरेस्ट आता है। जैसे कि हम शेडो बनाते हैं, शेडो बनाने का भी वही रीजन है कि जो है हम कंट्रास्ट तैयार करें पेंटिंग में। कहीं कहीं पर वो शैडो इसलिए हम फेड भी कर देते हैं, ताकि हर जगह पे जो है सेम तरीके का कंट्रास्ट तैयार ना हो जाए। जहाँ पे मेरा मेन फोकस एरिया है सिर्फ उसी जगह पे जो है वैसे कंट्रास्ट तैयार करें। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है कल्याण भाई, बहुत ही अच्छा, गुड। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कितना पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है ना। कई बार होता है कि आपको ट्राई करने के लिए पूरा कंपोजिशन लेके बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले आप एक विंडो बना के देखिए क्या वो आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं और उसमें क्या क्या डिटेल्स है। तो सीखने के लिए पूरा कंपोजिशन ना बनाए, छोटे से छोटे एरिया उसको क्रॉप करके स्टार्ट करें, जो बिगनर्स है उनके लिए कह रहा हूँ।
मुझे लगता है जैसे सर ने बताया, ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि हम सुनते हैं, उनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपने काम में, तो वो हमारा तरक्की जो है बिल्कुल होगा। हर कोई छोटे 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 टिप्स देंगे आपको, आपको याद रखना है, आपको कैसे करके यूज करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो मेरी बेटी भी मुझे बताती है कि यहाँ पे ये कलर जो है अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ दूसरा कलर होता तो मजा आता। ये गाइडिंग लाइंस है जिससे कि वॉल्यूम को पता चलता है। ये अगर देखें तो यहाँ पे जो है ये गाइडिंग लाइंस है,
लाइट ब्राउन, लाइट बर्न से ना। कूल और वार्म काफी एक बैलेंस पेंटिंग में काफी इंटरेस्ट तैयार कर सकता है। बस अब यहाँ से कलर लिफ्ट करूँगा। यहाँ पे एक मीटर बॉक्स था, काफी इंटरेस्टिंग है। ये छोटे छोटे चीज है जो कि उस जगह का फील होते हैं।
आपको क्या लगता है आप आवाज ऊंची करेंगे और हम डर जाएंगे? चलिए साइलेंस ब्रेक ब्रेक करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग था। अभी कल्याण जी इतना भी मत बना उसके अंदर से चलना पड़ जाए। ठीक है सर, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो बाइक ये डाल दूं एंड देन इसको। हाँ हाँ करो करो, मजा आ रहा है। ये सबको दिखेंगे नहीं वहां से।
यहाँ पे दो फिगर्स हैं, उन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ मैं वाइट यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, वाइट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एंड इस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे पायरल ऑरेंज यूज करूंगा। इस जगह पे वही येलो को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे मैं सेम आइसोजेलिन येलो को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। इसमें और भी डिटेल्स कर सकते हैं बट ये आई थिंक टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है एंड पेशेंस भी वो है, तो थोड़ा सा याद आया उनका बात, वो अमोल सर का बात चिड़िया उड़ाने की, वो थोड़ा सा चिड़िया उड़ाते हैं। अब थोड़ा सा पेंटिंग में लास्टली गाइडिंग लाइंस एंड उसके बाद उसको खत्म करेंगे।
थोड़ा सा कि शैडोज भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सर कहीं सब कोई सो तो नहीं गए? नहीं सर। नहीं नहीं सर, देखते सो नहीं, सब खो गए। ओके काम खत्म है। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू। एक जगह पे थोड़ा सा ये हाथ में अटक रहा था। ओके
सुपर, वेरी नाइस, थैंक यू सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक लाइन में मजा आ गया सर, तो देख सकते हैं यहाँ पे। वाव, तो वो कितना दिखता है ना वो दिखता ही नहीं है, जो देखते हैं वो बनाते हम, पहले देखना सीखना है। मैं होप सर मैं सही सही टाइम पे भी खत्म कर लिया। बेस्ट हो गया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके देन, तो कल्याण जी आपको मैं पूछना चाहूंगा आपके बूंदी के बारे में, कुछ आपके यादें या जो भी कुछ आप शेयर करना चाहें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कि का ये जो ट्रिप था हमारा कलाराम के साथ, मतलब मैं अगर ऐसे बताऊं आपको कि जो मेंटर्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। में को मैंने देखा कि ये इतने क्लोज थे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो जो है ना एक डिफरेंस होता है वो कभी क्रिएट नहीं हुआ। जब भी हमें फीडबैक मांगा, जब भी हमने डिस्कशन किया या डिस्कशन किया ऐसे बैठना भी हो तो इतना फ्रेंडली एंड एक फैमिली सा फील हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे वो अपने कलाभवन के दिन याद आ गए जब मैं प्रोफेसर के साथ ऐसे बैठता था, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लगा मेंटर्स की ये जो मैं क्या बताऊं। और दूसरी बात है कि बूंदी एक जो सिटी है वो एक अपने में ही एक पूरा आर्ट है। जहां भी आप बैठ जाओ, जहां भी आप देखो, अगर आप देख सकते हो अच्छे से तो फिर आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। कहीं भी बैठ सकते हो, पूरा का पूरा जो सिटी है वो स्पॉट्स से भरा पड़ा है। मतलब आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा स्पॉट आप कर सकते हो, ये चैलेंज आपको देगा। सो मैं तो कहूंगा कि अगर फिर से चांस मिले बूंदी आने का, मैं तो फिर से आने वाला हूँ। और जिसको भी यहाँ पे मौका नहीं मिला, मैं कहूंगा कि आप जरूर आइए यहाँ पे और कलाराम के साथ जुड़िए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कलाराम के साथ जुड़िए। कलाराम ने जो आपको प्लेटफॉर्म देगा, कलाराम जो आपको गाइडेंस देगा, शायद ही आपको इतने इजीली आपको कहीं भी मिल सकता है। कल्याण जी आपके दूसरा मोबाइल ऑन कर सकते हैं वीडियो? मैं कर रहा हूँ। यस, ग्रेट, बहुत ही गजब का आपके काम में वो बूंदी का जो फील है और मेंटेन की आपने, बहुत ही गजब का। और कितना मतलब धीरज रखना होता है काम में, कितना कुछ कैलकुलेटिंग है, कितना कुछ सोचना पड़ता है, वो आप स्टेप बाय स्टेप सब बताया। तो यूं ही नहीं है कि कुछ कलर लगा दिया और वाटर कलर हो गया, तो इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और देखिए, आपको अगर ये पूरा वीडियो देखने का पेशेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे काम? तो ये वीडियो जो है प्रॉपर यूट्यूब, जो कलरम के यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं, और इसी तरह से जितना भी वीडियोस अब तक है कलरम के यूट्यूब चैनल में अभी अपलोडेड है, तो वहां से भी आप देख के दोबारा इस चीज को देख सकते हैं। और वहां से भी जो कुछ छूट रहा है फिर
उन्हें भी फिर आप याद कर सकते बार बार। तो कल्याण जी बहुत ही अच्छा लगा। तो निशिकांत सर से कुछ ओके आ चुका। तो कल्याण जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफी अच्छा लगा, आपने डेमोंस्ट्रेशन दिया, आपका ये फर्स्ट टाइम था ऐसा किसी को लगा नहीं, आपने बोला इसीलिए हम बिलीव करते हैं। काफी अच्छा रहा और काफी स्मूथली डेमोंस्ट्रेशन हुआ। हमने देखा है फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली काम करते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट टाइम है वो काम पे इफेक्ट नहीं हुआ है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसको कुछ सीखना था वो भी काफी सीखने को मिला है। इन फ्यूचर ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और कलारम हमारा नहीं आप सबका है, तो कभी भी कलारम से जुड़ना है तो बस दिल से जुड़े, काम तो चालू ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट और भी कोई आर्टिस्ट काम लेके आएंगे, तब तक बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू कल्याण सर, थैंक यू निशि सर, थैंक यू अचिंत सर, और थैंक यू कनिष्ठा जी, आपका भी शुक्रिया, आपने इस तरह से बहुत ही अच्छा होस्ट किए, और आगे भी हम नेक्स्ट अच्छे से अच्छे कलाकार को लेके आएंगे और आपके साथ इन तरह से इंटरेक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, यहीं पे हम विराम देते हैं और टाटा करते हैं, गुड नाइट। थैंक यू कल्याण जी, थैंक यू, बहुत जल्द मिलते हैं। ओके सर।